अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद क्यूम और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जियो लाइव। जियो लाइव के साथ आप आज हम आए हुए हैं डेजर्ट सफारी के लिए और आप देख रहे हो यहाँ लोगों का जमे गफीर है और आपको वीडियो दिखाएंगे। यहाँ कैमल रेस भी होती है, राइडर रेस भी होती है और प्राडो रेस भी, मतलब जो सफारी के लिए रमल में लेके जाते हैं। ज़बरदस्त वीडियो है और आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को भी दबाना है। इंशाल्लाह आपको खूबसूरत इस चैनल पर वीडियो मिलेंगी देखने के लिए। क्या है बहु, जी आए हुए हैं हम डेजर्ट सफारी में, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा सही फस रही है, फस रही यार, बहुत अच्छे। ये जो है हम आए हुए हैं डेजर्ट सफारी पर। ये आप हमें देख रहे हैं कि ये पीछे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और ये कैंप भी लगा हुआ है। हमने अभी एक वीडियो बनाई है बीच में, लेकिन वो सही तो नहीं है कि प्राडो का ऊपर नीचे आना जाना होता है ना, इसलिए वो वीडियो थोड़ी सी सही नहीं बनी है। ये आप लोग देख रहे हैं ये सब प्राडो है, ये लोग डेजर्ट सफारी करके आए हुए हैं और आज हम भी आए हैं। आज हमारा वीकेंड है इसलिए हम भी चक्कर लगाने के लिए आए हैं और बड़ा जबरदस्त मजा आता है। ये देखें इधर घोड़ सवारी भी होती है यहाँ, और यहाँ टिकट लेते हैं। ये कैंप है, इसमें बूफे सिस्टम होता है, यहाँ सब आए हुए हैं। यह है जी कैमल रेस, यहाँ रेस तो नहीं होती है लेकिन यहाँ कैमल उठा के लोग वीडियो बनाते हैं यादगार के लिए। अबीर में आए हुए हैं कल्पा रोड में। ये कुछ लोग
में डर रहे हैं रेस के लिए, ये उठा रहे हैं माशाल्लाह ये तो ऊंट को पता है जो उसके ऊपर बैठे हैं या उनको क्या पता है यार। इधर जबरदस्त मजा है, ये देखो रमल है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो गवर्नमेंट हमारी बना सकती है। ये देखो खाली रमल, इधर कुछ ऐसा नहीं है जो घूमने के लिए, खाली रमल है। इसमें प्रोटो वगैरह चलते हैं और इधर कैमल है, इसके ऊपर लोग फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, घूमने आते हैं। देखो इधर दूर दूर तक ना कोई शहर है, ना कोई मार्केट है, ना कुछ ऐसा है। इसमें खाली रमल है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ना कि लोग यहाँ आके इंजॉय करते हैं, बड़े शौक से आते हैं। आप देख रहे हैं आवाम का जो रश है या जो जितना आवाम है, बस खाली ये कैंप है या बुफे सिस्टम है और ये खाने के लिए बस ये सिस्टम है, सिर्फ ये ही है। बाकी लोग सब ये आए हुए हैं बस घूमने के लिए। टूरिज्म से पैसा आता है जिससे फायदा होता है और एक रमल पे चलने वाले बाइक चार टायरों वाले हैं। ये पेट्रोल पे चलते हैं और इनमें बहुत पावर है और स्पीड भी बहुत है इनकी। इसमें सब प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं, चार्ज वगैरह जो भी कैमल है बाइक है सब इसमें लिखा हुआ है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। ये 9 बजे तक ये रहेगा, रात के 9 बजे तक यहाँ लोग आते रहते हैं, मतलब लोगों ने हफ्ता पहले बुकिंग की होती है। जी अटलांटा टूरिज्म, ये देखो यहाँ अंदर सब बूफे का सिस्टम है, खाना पीना सब, जो टिकट आप बाहर से भर जाएंगे ना उसमें खाना पीना ये सब उसमें है, एडिशनल किया हुआ है। बड़ा मज़ा आता है यहाँ घूमने का। ये देखो लोग आ रहे हैं, अभी तक भी आ रहे हैं। काश ये पाकिस्तान में भी लोग बनाए ऐसा टूरिज्म, लोग आए बाहर से और पाकिस्तान को भी फायदा हो इसके लिए। लोग बाहर से आते हैं दुबई में आके, फोर बाई फोर प्राडो है, रमल में पता भी नहीं चलता इनका। ये जो लाइन है ना ये कैमल रेस के लिए है, कैमल रेस नहीं मतलब उसको घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए। रेस तो दूसरी होती है स्पीड वाली। ये जी था आज का हमारा ब्लॉग और इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में।